इनकी अपनी पार्टी से लोग गए और इनके एक मिनट में बात कर लूं तो इनके अपने लोगों के दलील वहां पे क्यों नहीं उन्होंने दी जो बाहर आके कहते हैं दलील नहीं मानी गई, तो इसमें हम हमारा किरदार नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि ना मतलब बहुत तफसील से उस पर बात हुई है कि ना कोई वोटर आया, ना कोई तरीक़ाकार था, ना पहले से बताया गया, मतलब ये इतनी सारी बातें हुई है कि इनके वकील दिफा नहीं कर सके। तो ये तो एक अलग बात है जो कागजात छीने गए। देखिए मेरी पार्टी के अंदर जो बहुत सारी सीटें हैं उसमें 40-40 कैंडिडेट हैं एक ही जगह से, स्पेशली कराची की मैं बात कर रही हूँ। और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे 10 से ऊपर ना हो, और जिसने भी छीने वो बड़ी एक गैर सियासी हरकत थी। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, खोसा साहब के बेटे बैठे में बार का एक डेकोरम होता है, उसको बुक कराया जाता है, आपको कराना है आप कराइए, अपनी बात कीजिए। किसी और पार्टी ने कराया है तो 20-25 लोग वहां पे जाके उछल के अपनी पार्टी का नारा लगाएं, ये आपके यहाँ से सिलसिला निकला है, उसको बहुत ही अच्छी तरह चेयरमैन ने टैकल किया, तो ये आपके यहाँ नई लोगों से काबू हो रहा। लेकिन चले बिलावल साहब ने उसको इतना ग्रेसफुली हैंडल किया कि मेरा ख्याल है कि उसको बड़ा ग्रेसफुली हैंडल करना था। हम लोगों को सियासत सिखाते हैं फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं।